वही तो स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो विश्वेश में। तो अगर आपके पास भी है वीवो V15 प्रो मोबाइल तो आ गया इसमें आज ही एक न्यू फोटो अपडेट। जैसे कि आप जानते हैं बहुत दिनों से इसमें कोई भी अपडेट नहीं आया था, तो आज आ गया एक न्यू फोटो अपडेट। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उस फोटो अपडेट के बारे में और साथ ही साथ देखेंगे कि आपको इसमें क्या क्या चेंजेस मिलते हैं और फिर कितना बड़ा है ये अपडेट, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो को जल्दी जाकर नीचे लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपको कोई भी क्वेरीज है जल्दी जाकर मेरे इंस्टा आईडी पे आप जाकर वहां पर कमेंट कर सकते हैं, आपको 110% जरूर रिप्लाई मिलेगा। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जल्दी जाकर वहां पर आप इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाकर नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको मिलते रहे इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बता देते हैं कि ये जो अपडेट का इन्फॉर्मेशन है ये हमें HS Tech News ने दिया है, जिनका कि खुद YouTube पे एक चैनल है। तो बहुत ही धन्यवाद उनका कि उन्होंने हमारे इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे दिया, तो बहुत ही धन्यवाद। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि ये रहा Vivo V15 Pro मोबाइल, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि फेक न्यूज़ आप लोग देते हैं अपने चैनल पे। तो दोस्तों ये सही नहीं है, हम लोग रियल न्यूज़ देते हैं जो भी न्यूज़ रहता है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको वर्जन मिलता है वे है करंट वर्जन, आप देख सकते हैं 1.26.9 था, यानी कि जो पहले का अपडेट वर्जन था वे ये। अब जो अपडेट वर्जन है जो कि अब आया है न्यू वे है 1.26.10। यहाँ पर आपको जितने MB का यानी कि 150 MB का ये अपडेट मिलता है 1.143.98 MB, यानी कि आपको 150 के लगभग अपडेट मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यही था ये अपडेट। तो अब पहले तो हम लोग बता देते हैं कि बहुत लोग बोलेंगे कि ये फेक न्यूज़ है, ये न्यूज़ गलत है, हम लोग के मोबाइल में नहीं मिला। तो दोस्तों बहुत बार होता है कि सर्विस सेंटर, कहीं के सर्विस सेंटर बहुत जल्दी अपडेट देते हैं और कहीं के बहुत धीरे, क्योंकि अभी और से भी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी सर्विस सेंटर बंद है, तो आपके पास नहीं मिला होगा, ये हो सकता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि फेक न्यूज़ है, तो फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग एक बार प्रूफ भी दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि ये जो वीवो का ऑफिशियल जो साइट है, वेबसाइट है vivo.com में, वहाँ पर जब आप सपोर्ट में जाके अपडेट में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यू वर्जन है वह है 1.26.10, यानी कि जो नया वर्जन यही है। तो रोल आउट स्टार्ट हो चुका है इसका। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप अपने सर्विस सेंटर को कॉन्टेक्ट कीजिए जब आपका सर्विस सेंटर लॉकडाउन के बाद खुल जाए, क्योंकि ये अपडेट मिल चुका है किसी किसी लोग को, किसी किसी लोग को नहीं मिला है। तो आप जाके अपने कॉन्टैक्ट कीजिए सर्विस सेंटर से, और नहीं तो अभी तुरंत मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कीजिए तो हो सकता है आपको अपडेट मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं फिर से उस अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि 2 महीने बाद ये अपडेट आया, यानी कि 2.5 महीना हो गया अपडेट के, तब भी आपको बस कुछ सेटिंग में चेंजेस मिलते हैं, यानी कि सिस्टम में बस आपको चेंजेस मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपडेटेड सिक्योरिटी सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि सिर्फ आपको यहाँ पर एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच में अपडेट मिल रहा है। यहाँ पर बस आपको सिक्योरिटी पैच में आपको दे रहा है, बहुत ही छोटा अपडेट है ये। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके पहले भी जो अपडेट आया था जो कि 1.26.9 था इसके पहले का अपडेट, इसमें भी आपको बहुत छोटे चेंजेस मिले थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी आपको बहुत सिर्फ सिस्टम में यहाँ पर चेंज मिला था। तो पता नहीं दोस्तों ये वीवो ऐसा क्यों कर रहा है अपने वीवो V15 प्रो मोबाइल के साथ, हम लोग को भी नहीं पता। तो आप अपने कॉन्टैक्ट हम लोग सर्विस सेंटर से बात करके देखेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे छोटे अपडेट ला रहा है वीवो V15 प्रो में। यहाँ पर आपको इस बार भी इतना छोटा अपडेट मिल रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ किया जा रहा है तो इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इम्प्रूव सिस्टम स्टेबिलिटी, फिर ऑप्टिमाइज परमिशन मैनेजमेंट टू मेक द फोन सेवर, मतलब सिर्फ आपको ये सब में चेंजेस मिलते हैं और कुछ नहीं मिल रहा है इस अपडेट में। तो दोस्तों ये अपडेट यही था बस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।